दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की भाषा विद्यान के एम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि जल मंडल से संबंधित हैं। यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है रूम सागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। निम्न में से सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए बॉन झील तुर्की, ऑप्शन बी मृत सागर जॉर्डन तथा इजराइल, ऑप्शन सी है गेटेल तालाब इथोपिया, ऑप्शन डी है लाल सागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेटेल तालाब इथोपिया। सर्वाधिक लवणता गेटेल तालाब में पाई जाती है जो कि इथोपिया में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन, सागर में डूबा हुआ महाद्वीप का भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महाद्वीपीय मगन तट, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय मगन ढाल, ऑप्शन सी है महासागरीय गर्त, ऑप्शन डी है गहरा समुद्री मैदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाद्वीपीय मगन तट। सागर में डूबा हुआ महाद्वीप का भाग महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर चार, सागर की गहराई मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी है फादम, ऑप्शन सी है नॉटिकल मील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फैदम। सागर की गहराई मापने की इकाई फैदम है जिसमें सागर की गहराई मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, परिगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वार भाटा, ऑप्शन सी है प्रवाल भित्ति, ऑप्शन डी है सुनामी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्वार भाटा। परिगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटे से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः, समतल पृथ्वी पर स्थल व जल का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:4, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:2.7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1:2.43, समतल पृथ्वी पर स्थल व जल का अनुपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, अलनीनो का किस महासागर से घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी होगा प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अलनीनो का घनिष्ठ संबंध प्रशांत महासागर से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? ऑप्शन ए है 68%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी है 35%। इसका सही उत्तर होगा 71%। पृथ्वी के 31% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ, महासागरों में औसत कितनी लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए है 32%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 34%, ऑप्शन डी है 35%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 35%। महासागरों में औसत लवणता 35% पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सार गैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंध महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव महासागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में सार गैसो सागर पाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सागरीय जल में निम्न में से किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक सागरीय जल में पाए जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पदार्थ शैवाल मिलता है? ऑप्शन ए महासागरों में, ऑप्शन बी मैदानों में, ऑप्शन सी है पहाड़ों में, ऑप्शन डी वनों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महासागरों में। पदार्थ शैवाल की उत्पत्ति महासागरों में होती है, यह मछलियों के लिए उपयुक्त भोजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऑप्शन बी है पृथ्वी की शक्ति, ऑप्शन सी है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न में से ठंडी धारा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है कनारी, ऑप्शन सी है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी है अगुला हास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनारी। कनारी एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए है कनारी, ऑप्शन बी है बेंगुला, ऑप्शन सी है ओयोसिबो, ऑप्शन डी है अगुला हास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अगुला हास की जलधारा एक गर्म जलधारा है, यह ठंडी जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है? ऑप्शन ए है संतुलन सिद्धांत, ऑप्शन बी स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रगामी तरंग सिद्धांत, ऑप्शन डी अवतलन सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवतलन सिद्धांत। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित डार्विन ने अवतलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ज्वार भाटे से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी एयरी ने, ऑप्शन सी है विलियम हैबेल ने, ऑप्शन डी हैरिस ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम हैबेल ने। ज्वार भाटे से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था विलियम हैबेल ने।